की मैया की सासू मैया यहाँ पे भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी तो। ये क्या कर रही है? अरे देख नहीं रही है आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं इनको बताने। करिश्मा सिंह आप जो कुछ भी करने जा रही हैं वो प्लीज मत करिए वरना अभी तक की हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक लग गई कि पुलिस यहाँ पर है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप हमें अरेस्ट करना चाहती हैं? ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। हम अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपका साथ देने आए हैं। देर से ही सही लेकिन अब हमें आपके मिशन के बारे में पता चल गया है। क्या कमाल का प्लान बनाया आपने। आपके हाना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम यहाँ परमिशन नहीं आपको बताने आए कि हम सब आपका साथ देंगे। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढे। लेकिन आप लोग हमें ढूंढ ही क्यों रहे थे? क्यों मतलब? आपकी मदद करने के लिए। हम कितनी बार आप सबसे कहें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मैडम सर, हम फिर भी आपके साथ इस मिशन में रहेंगे, आपका साथ देंगे। मैडम सर वो कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो चार भले लोग आपका साथ देने आए हैं और मैं तो बहुत जरूरी हूँ। वो कहते हैं ना, चोर और गिद्ध की तेज नजर होती है शिकार ढूंढने में, तो हमें तो आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। ओके, अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए। हम तो कर लेंगे मगर का? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में यहाँ पर चार लोग आएंगे, वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। पूरे शहर में ड्रग्स का धंधा, काला कारोबार सब वो चलाते हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का सारा धंधा साफ हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में वो चारों यहाँ पर आने वाले हैं हमसे डील करने के लिए। कोई गलती नहीं, जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं देखना चाहिए जब तक डील कम्प्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे, क्लियर? अपने अपने पोजीशंस पर। ड्रग माफिया, ड्रग डील। आप जैसी करप्ट ऑफिसर की हमें हमेशा से जरूरत होती है मिस मलिक। पहले मिली होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अब हसीना मलिक हमारे साथ है, अब हमारा बिजनेस और भी फ्लाई करेगा। और देख लीजिएगा, एक दिन इस देश का बच्चा बच्चा हमारे इस नशे के जाल में गिरफ्त होगा। लाइए निकालिए हलवा। क्या बात है, आप तो सच में क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई हैं हमारे लिए। ये क्या मजाक है? धोखा? मारने वाले से पहले ना बचाने वाला पैदा हो जाता है, यही दस्तूर है जिंदगी का, समझे तुम? तुम क्या बच्चा बच्चा तक ड्रग्स पहुंचाओगे? तुमको यहाँ गाड़ ना दे जमीन पे। अभी तुम चारों के साथ साथ इस शहर की सारी गंदगी साफ। तुम सबका ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और जब तक हम हैं इस शहर में दोबारा ऐसे किसी पौधे को पनपने नहीं देंगे। अपनी गन नीचे कीजिए करिश्मा सिंह।
अरेस्ट करो। क्या बात है, नशे के समंदर के चार बड़े मगरमच्छ एक साथ एक जगह, दुर्लभ नजारा है भाई, कोई फोटो लो। ड्रग्स कहाँ हैं? मैडम सर के पास कोई ड्रग्स नहीं है, ये तो मैडम सर का प्लान था ये ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए। ओ, नया प्रपंच। बेवकूफ लगती हूँ कि तुम कहानी बनाओगी और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर बहल जाऊंगी। मैडम, यही सच है। अखबार में जो खबर छप के आई थी कि हसीना मैडम के पास ड्रग्स है, ये तो उन्होंने ही छपवाई थी इन चारों को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मैडम सर ने तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये भी बताया था कि उनके गाड़ी में ड्रग्स रखा गया है। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। अगर आप चाहो तो जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं ना मैडम सर? हाँ दिखा सकते हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैडम सर सही है। बकवास, सब बकवास। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया मैडम, आपके आंखों के सामने है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, अब हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि ड्रग माफिया के चार बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े गए हैं, तो हमने हमारा काम कर दिया है, देश साफ हो गया है, इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हम सबको अरेस्ट कर लेंगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी अपना काम ना अच्छे से करेगा। लाइए अरेस्ट कीजिए, कीजिए। एक मिनट, करिश्मा सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये सब यहाँ आए जरूर हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है। हमने इनको शुरुआत से अपने हर मोमेंट से एब्सोल्युटली दूर रखा है। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इसलिए प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मैडम सर, हर वक्त आपका नहीं चलेगा, हम सब एक टीम है, एक परिवार है, सब साझा है, तो सजा भी साथ भुगतेंगे। करिश्मा सिंह, आप कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स नॉट ओके। देखिए इस वक्त ना आप ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आप वर्दी में नहीं है, इसलिए हम आपका ये ऑर्डर खारिज करते हैं और ये सजा हम सब साथ भुगते हैं। कीजिए आप अरेस्ट, हमें कीजिए ना। मैडम सर हमें माफ कर दीजिए, देखिए हम भी गुनहगार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। मैडम मुझे भी अरेस्ट कीजिए। मैडम मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अकेले बिजनेस में क्या करूंगा। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ हो क्या सबके सब? हाँ शायद हो, तभी तो सबके सब एक साथ जेल जाने के लिए मरे जा रहे हो। पत्रा जी ने हमें आपके प्लान के बारे में बता दिया था, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। भाई क्या थाना है, सब के सब दीवाने, लेकिन ऐसे दीवानों को अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि कानून के लिए उनके जज्बे को सल्यूट किया जाता है। हसीना मलिक, कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने फर्ज के लिए? मैम जब दिल में देश के लिए सच्ची मोहब्बत होती है तो ये बलिदान नहीं लगता, अपने आप हो जाता है। आज की तारीख में नशे की बुराई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन। जब भी कोई यंगस्टर ड्रग से दोस्ती करता है तो वो अपने देश से दुश्मनी करता है, और हमारा काम है ऐसा होने से रोकना। हम खड़े हैं आपके और ड्रग्स की इस घटिया दुनिया के बीच एक ठोस और ताकतवर दीवार बनके, अब सबको महफूज रखने के लिए, और ये करने के लिए चाहिए हमें आपका साथ, अब सबका साथ। आप लोग अगली जनरेशन है, यू गाइस आर द फ्यूचर। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं
और आने वाली नस्ल को कैसी दुनिया देना चाहते हैं, एक नशे में डूबी हुई बर्बाद दुनिया या फिर एक खुशहाल हेल्दी दुनिया। सच कहें तो जब हम आपसे आपके घर पर मिलने आए थे, घर, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आपकी चुप्पी के पीछे इतना बड़ा लक्ष्य छिपा है। घर चले गए बताया भी नहीं। सुना सुना बात आगे बढ़ती है ना, तो ऐसा मिलना मिलाना होता ही है। इट्स ओके सर, आपकी कोई गलती नहीं है, कभी कभार इंसान को परखने में गलती हो जाती है। प्रयास करेंगे ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। दरअसल हम आपसे ये कहने आए हसीना मलिक, हमें आप पर बहुत गर्व है। सुना? हाँ सुना, मत पढ़ रहे हैं कुछ। हमारे पूरे विभाग के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पुलिस महकमे में आप जैसी होनहार, देशभक्त और ईमानदार अफसर काम करती हैं। सच में आपने हमारा दिल जीत लिया। सुना, दिल जीत लिया? हाँ सुना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे, सुना? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ से? क्यों, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, आप तो डीएसपी हैं, आप तो कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? केस फाइल हुआ है नया, तो मैडम सर से बात करना था, तो आप बतिया रहे थे तो हम वेट कर रहे थे, आप कब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात कर पाए। क्योंकि मैडम अचानक कमरे में आकर आप दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती थी, है ना? है ना जी, वो बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। क्या जा रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। चाहिए चाहिए, मिल लीजिए अपनी होने वाली भाभी से। पुष्पा जी, आपसे ना बाद में निपटेंगे हम। हम यही हैं, डरते नहीं हम किसी से। गलत थे सर, हसीना मलिक जरूरत से ज्यादा ईमानदार और अच्छी औरत है। उसे अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए हमें अपना पुराना ही तरीका आजमाना होगा, दिल से होकर दिमाग तक पहुंचना होगा। कल से इसी काम का फिर से शुभारंभ होगा। हे भोलेनाथ, 2020 की शुरुआत बहुत कठिनाइयों के साथ हुई और फिर आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक कुछ ना कुछ बुरा होता ही गया। एक पॉइंट के बाद तो ऐसे लगने लगा कि बस अब कब खत्म होगा ये साल। मगर फिर भी इतनी कठिनाइयों में भी आपने हमारी रक्षा की, न जाने कितनी अनदेखी अनजानी मुश्किलों से हमें बचाए रखा। बस एक को छोड़ के बस ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा और ऐसी दया कीजिए कि आने वाला साल यानी कि 2021 हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। बाकी छोटी मोटी इच्छाएं तो हम आपके चरणों में रखते आए हैं ही। हमारी करिश्मा मैडम जो है ना, वो बहुत जल्द SHO बन जाए। और बस कोई ऐसा चमत्कार कीजिए आप कि वो हसीना मैडम की तरह अपनी अकल का इस्तेमाल करे, ना ही अपने हाथ पैरों का। हाँ और अपनी संतु जो है बहुत जल्द हेड कॉन्स्टेबल बन जाए। ऐसा है बन जाए, ऐसे आ रहे थे हम। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुष्पा जी,
हमको कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। हमसे? नहीं, भोलेनाथ जी से। हाँ तो कीजिए ना, वो आपकी भी बात सुनेंगे। जी जी। जय भोलेनाथ, आपके चरणों में ना एक अनुरोध है। आप तो जानते ही हैं हमारी हसीना मैडम, अब तो देख ही रहे हैं उनका उम्र हो गया है शादी का, तो आपने ना सबके लिए कोई ना कोई बनाया है, तो उनके लिए भी कोई अच्छा सा हैंडसम सा अच्छा लड़का उनके लिए ढूंढ दीजिए ना, तो उनका क्या घर बस जाएगा, है ना? तो मिल तो गया है ना? का? मिल गया? हाँ। कौन? अपने डीएसपी साहब। हाँ, हमको तो लगता है ना संतु, शिवजी ने उन्हें हसीना मैडम के लिए ही यहाँ धरती पे भेजा है। हाँ। तुमने देखा ना कितने प्यार से बात करते हैं वो, जब भी हसीना मैडम के साथ बात करते हैं आंखों में ऐसे अपना दिल निकाल के बात करते हैं, है ना? यही तो खासियत होती है प्यार की, दिखाए ना दिखे, छुपाए ना छुपे। हाँ, पर ये तो आपने पहले भी कहा था। कहा था? लल्ला के पप्पा ने हमसे कहा था ना, इसलिए हम बार बार कहते हैं। ओह, सो स्वीट। वैसे ये बात से तो मैं टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है डीएसपी सर की टोन ही अलग हो जाती है जब वो मैडम सर से बात करते हैं। हाँ, मतलब शहद टपकने लगता है। इसका आंसर लेके इसका तो कितनी लंबी स्माइल हो जाती है ना, देखो ऐसे। हाँ, हमने भी देखा है, है ना, है ना? पर सच तो सच है ना मैडम, अब जो है वो हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वो देखो, हमें ननन भाभी किचन में साथ में काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। करिश्मा। जी भाभी। जज्बात, जज्बात से प्याज काटे। ये प्याज है, इसमें भी भावनाएं हैं। देखिए, हमें स्वाद ठीक नहीं करना, हमें स्वाद की जड़ तक पहुंचना है, इसलिए इस प्याज को जज्बात से काटिए। हम दिखाएं? जी दिखाएं। एक मिनट, हम अपनी आइडियोलॉजी आप पर थोप नहीं रहे, बस आपको दिखा रहे हैं कि जज्बात से प्याज कैसे काटे जाते हैं। जी भाभी, लीजिए। प्यार से। अब हम तुम्हें काटेंगे। जैन मैडम सर। जैन भाभी। जैन दाब मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। कहाँ खोई हुई थी आप? नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे। बताइए ना। नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे हम। आप आ गई, हमें पता नहीं चला आप आ गई। मैडम, डीएसपी साहब आ रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, चलिए। ये कटका कटका कटका, पुष्पा जी कटका किधर है? कटका कटका जय हिंद। अच्छा, आप सब लोग एक साथ मिल गए, तो ये रही आप सभी लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य परिणाम सूचना, एनुअल हेल्थ रिपोर्ट। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप में से कोई भी फिटनेस मापदंडों में खरा नहीं उतरा है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, इस रिपोर्ट के अनुसार आपका वजन 13 किलो अधिक पाया गया है। ऐसा ही करिश्मा सिंह, आपका वजन 2 किलो अधिक पाया गया है। एसएचओ हसीना मलिक का वजन 3 किलो अधिक पाया गया है। और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका 3 किलो बढ़ गया है सर। आई नो। जी नहीं, 3 किलो कम है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये हास्य परिहास का विषय नहीं है, ये एक बेहद लज्जा और दुख का विषय है। आप सब पुलिस में हैं, अगर आप लोग ही अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसी लापरवाही करेंगे तो समाज की रक्षा कैसे करेंगे? लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि आपका मजाक उड़ाना चाहिए। शरीर इंसान के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हमारा शरीर देख के ही बताया जा सकता है कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं।
उसी से बनती है हमारी छवि। जब हमारी छवि ही ठीक नहीं है तो लोग पुलिस को गंभीरता से कैसे देखेंगे? नया साल आ रहा है, नया साल शुरू होने से पहले आज से ही आप लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य। हम आप सभी को 15 दिन का समय देते हैं और आपका लक्ष्य होगा कि इन 15 दिनों में बढ़ा हुआ वजन घटाना और फिटनेस के मापदंड तक लाना, और जो भी इस लक्ष्य को पूरा करेगा वही अगले केस को लीड करेगा। ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहे, आपको इसकी क्या जरूरत है, फिर ऐसे ही रखिए आप। ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है प्रतिदिन और कितनी बर्न करना बाकी है। और ये बैंड आप तक तक पहन कर रखेंगी जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य प्रगति पर है श्रीमान, अब बहुत जल्द हम महिपाल तक पहुंच जाएंगे, और एक बार हम महिपाल तक पहुंच गए तो समझिए मिशन पूरा। और महिपाल तक पहुंचने का रास्ता हमने बना लिया है। तुम जानते हो समय कम है अनुभव सिंह, जो करना है जल्दी करो। जी श्रीमान। और हसीना मलिक अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी सर। इतना अच्छा सुंदर मनमोहक आकर्षक व्यक्तित्व दिया है ईश्वर ने आपको, उसे मेंटेन रखिएगा। जी सर। हमारे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा सुंदर मनमोहक आकर्षक शरीर देकर इस धरती पर भेजा है, हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, यही कह रहे थे हम। तो आप लोगों के पास 15 दिन का समय है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।